हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जी एडवांस 2021 में पूछा गया है। ये प्रॉब्लम एसी सर्किट से है, जहां पर कि हमारे पास एसी सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। सो इसी तरह से यहाँ पर इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक मेटल फिलामेंट लैम्प है। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ फिलामेंट लैम्प और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस रहेगा एंड इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। और इसे कैपेसिटर के साथ जो है जोड़ा गया है, जिसकी कैपेसिटी सी माइक्रो फेरेड है across a 200 volt 50 hertz supply. So basically this is a AC supply, 50 hertz frequency है और 200 volt का supply है। Power consumed by lamp हमें देके रखा है 500 watt और उसके across जो voltage है lamp के across वो 100 volt है। Assume there is no inductive effect or inductive load there. It means that ये simply capacitor resistor AC circuit है जिसमें capacitor और resistor series में connected है, कोई inductive effect यहाँ पर नहीं है। So RMS values हमें consider करना है यहाँ पर, take RMS values. द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज एंगल मीन्स फाई का कैलकुलेशन हमें करना है स्टूडेंट्स। फाई हमसे पूछा जा रहा है और हमसे सिंपली पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो एक तो हमें फाई कैलकुलेट करना है, साथ में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। कैपेसिटेंस हम डायरेक्ट एक्स सी के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पर बेसिकली हमारी कोशिश रहेगी एक्स सी को कैलकुलेट करने की। और जब एक्स सी निकल जाएगा, ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी है, हम सी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स सी को फाइंड आउट करने से पहले हम फाई की कैलकुलेशन करेंगे और एक्स सी, जैसे कि क्वेश्चन में पावर दे के रखा है, पावर कंज्यूम दे के रखा है, तो पावर के रिलेशन से हमें बेसिकली जेड मिल जाता है। हम रिलेट कर सकते हैं पावर के रिलेशन को और वहाँ से इम्पिडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें इम्पिडेंस पता चल गया तो हम एक्स सी को सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो जो गिवन है फ्रेंड्स, पावर हमें दे के रखा है, पावर कंजप्शन दे के रखा है 500 वॉट का और उस लैम्प के अक्रॉस जो वोल्टेज दे के रखी है वो है 100 वोल्ट का एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स का है। एंड जो वोल्टेज दे के रखा है, जिसे कि कहा गया आरएमएस लेना है, सो वो हमें 200 वोल्ट का दे के रखा है। सो फ्रेंड्स, जो नेट यहाँ पर ईआरएमएस रहने वाला है, जो नेट ईआरएमएस रहने वाला है, वो बेसिकली रहने वाला है वी सी स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ये बेसिकली कुछ इस तरह का सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और वो फिलामेंट लैम्प लगा है। तो ये एक एसी सर्किट है जिसमें वी हैव एलिमेंट सच एज कैपेसिटर एंड रजिस्टर। इसके अक्रॉस जो पावर कंजप्शन है वो 500 है और जो वोल्टेज दे के रखा है वो 100 वोल्ट का है। एंड दिस इज अम एसी सोर्स जो कि 200 वोल्ट और 50 हर्ट्स को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द ईआरएमएस, हम ईआरएमएस की कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ से। सो जो कि हमें ऑलरेडी पता है 200 है टोटल वोल्टेज, ईआरएमएस हमें कहा गया लेने को, सो इट इज़ 200 स्क्वेयर एंड इट इज़ लाइक सिंपली वी सी स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर। सो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें नहीं पता है, बट आर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता है, दैट इज़ 100 का स्क्वेयर। सो इट इज़ 200 स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप इसे सिंप्लीफाई जब कर लेंगे तो आपके पास जो वी सी का वैल्यू है वो आ जाएगा 100√3। इट इज़ लाइक 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, यहाँ से वी सी स्क्वायर आ जाएगा 100√3 के बराबर। इसे हम नोट कर लेंगे। इसे निकालने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसकी वैल्यू जान के आसानी से फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई जो होता है, यू ऑल नो दैट फाई इज़ बेसिकली टेन फाई, दैट इज़ वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। बट यहाँ पर इस प्रॉब्लम में देर इज़ नो इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर टेन फाई का फॉर्मूला सिंपली होगा वी सी अपॉन वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वी सी इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ से हम टेन फाई निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रॉब्लम का यहाँ से आसानी से हो जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू 100√3 बिकॉज वी सी इज 100√3 एंड वी आर इज गिवन टू अस, दैट इज 100। तो स्टूडेंट्स, टेन फाई का वैल्यू हमें मिल रहा है √3 और 10 का वैल्यू जो √3 रहता है वो रहता है फाई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज पर। तो डिग्रीज में ही पूछा गया है आंसर, वैल्यू ऑफ फाई इन द डिग्रीज निकालना है, सो इट इज 60 डिग्री। तो एक पार्ट हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी जस्ट नीड 10 फाई हमें कैलकुलेट करना था, वी सी चाहिए था, वी आर हमें था, यहाँ पर हमने ये वोल्टेज का टोटल फॉर्मूला इस्तेमाल किया और सिंपली वी गेट द आंसर फॉर दैट वी सी देयर। फिर वी सी की कैलकुलेशन करने के बाद, फाई की कैलकुलेशन करने के बाद, हमें बेसिकली सॉल्व करना है एक्स सी, बिकॉज एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे ही मिलेगा हम सी निकाल लेंगे, बिकॉज ओमेगा हम निकाल सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी सोर्स का देके रखा है 50 हर्ट्ज। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और देके रखी है कि जो पावर कंजप्शन है लाइक लैम्प का वो है 500 वॉट का।
एंड हम पावर का फॉर्मूला जानते हैं, पावर कंजप्शन का जो फॉर्मूला है इट इज सिंपली ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइ, ये एक रिलेशनशिप है। सो पावर इज इक्वल टू ई आर एम एस, हमें करंट का जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली यहाँ पता नहीं, लेकिन हम करंट को लिख सकते हैं ई आर एम एस अपॉन जेड। हम जेड की तरफ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जेड पता चलेगा तो हम एक्स सी की तरफ पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। एंड कॉस फाई, कॉस फाई फाई हम फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 60, सो कॉस 60 इज 1/2। तो पावर क्वेश्चन में देके रखा है 500, सो इट कैन बी रिटन एज ई आर एम एस स्क्वेयर अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाय 1/2। एंड ई आर एम एस हमें बेसिकली फ्रेंड्स पता है इट इज 200। तो यहाँ से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इट इज़ लाइक 500 इज इक्वल टू 200 स्क्वेयर इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय जेड दैट इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज जेड इज इक्वल टू, आप इसे जब सॉल्व करोगे 500 200 का स्क्वेयर इंटू 2 दिस इज लाइक 1000 एंड यहाँ से जेड उधर जाएगा 500 से नीचे आएगा 1/1000 200 का स्क्वेयर, जब आप इसे स्टूडेंट्स सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो जेड का वैल्यू आएगा वो आएगा 40 ओम, दैट इज 40 पूरा सॉल्व करने पे इट इज 40 ओम। देन आफ्टर 40 ओम निकलने के बाद हम जानते हैं कि जो इम्पिडेंस रहता है उसे हम सिंपली लाइक कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, हमारे पास एक फार्मूला है एंड आर का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस फाई स्टूडेंट्स हाफ होगा बिकॉज फाई 60, कॉस 60 इज हाफ एंड ये भी एक रिलेशन है फ्रेंड्स कॉस फाई का, कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। इम्पिडेंस ट्राइंगल से आप इसे पढ़ते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं इम्पिडेंस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए। सो आर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट लैंप का, और जेड हमने निकाल दिया है 40, सो आर का जो वैल्यू है वो हमें मिल रहा है 20 ओम्स। फ्रेंड्स आर भी हमें मिल गया है, अब हम कोशिश करेंगे अपने एक्स सी को फाइंड आउट करने की। तो इस सर्किट में कोई इंडक्टिव लोड तो नहीं है तो जेड निकाल सकते हैं हम बिल्कुल सिंपली, जेड इज बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, दैट्स इट। जेड हमारे पास है स्टूडेंट्स दैट इज 40 और आर हम निकाल चुके हैं दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम अब आसानी से एक्स सी को भी कैलकुलेट कर लेंगे, सो एक्स सी का वैल्यू आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्स सी का वैल्यू जाएगा हो जाएगा 20√3 के बराबर। अब सिंपली से 40 है और यहाँ पर 40 का स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ लाइक 1600 माइनस 400, सो इट इज़ 1200, और 1200 को जब आप रूट वगैरह सॉल्व करोगे तो एक्स सी का वैल्यू आएगा 20√3 के बराबर। तो एक्स सी स्टूडेंट्स मिल चुका है, एक्स सी होता है 1/ωc, हमें निकालना है सी, सो इट इज़ 1/ω मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी एंड ओमेगा आप जानते हैं इट इज़ बेसिकली 2π फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी, एक्स सी है हमारे पास 20√3, सो विल पुट द गिवन वैल्यूज देयर एंड डेफिनेटली विल गेट अवर आंसर। सो 1/ एंड इट इज़ लाइक 2 एंड पाई हम ले सकते हैं यहाँ पर, पाई को हम पाई रहने देते हैं स्टूडेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी है 50, हम पाई क्यों रहने देंगे बिकॉज हमें कुछ गिवन भी देके रखा था क्वेश्चन में कि पाई रूट 3 को आपको 5 ले लेना है, सो इट इज़ 2π भी हमने स्टूडेंट्स लिख दिया, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स था 2π भी एंड इट इज़ 20√3। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर फॉर आर कैपेसिटी। सो पाई रूट 3 को हम स्टूडेंट्स 5 ले लेंगे तो ये बन जाएगा कुछ 2 × 50 बिकॉज पाई रूट 3 इज 5 एंड इट इज़ 5 × 20। तो इसे आप सॉल्व करोगे 100 एंड इट इज़ लाइक अगेन दिस इज 100 एंड 100 हम यहाँ पर कर सकते हैं, इट इज़ 10⁻⁴ फैरेड। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये फेरेड में आ रहा है, हमसे जो रिपोर्ट करने को कहा गया है वो कहा गया है माइक्रोफेरेड्स में, सो वी कैन राइट दिस इन माइक्रोफेरेड्स लाइक इट इज़ 100 microfarad बिकॉज इट इज़ 10⁴ फैरेड ये ऑलरेडी है, हमें इसे माइक्रोफेरेड्स में लिखना है तो माइक्रोफेरेड्स में रहेगा बिकॉज यू नो दैट 1 microfarad इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड, सो यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन ईजिली कन्वर्ट दिस इन टू दिस, सो इट इज़ कैपेसिटेंस इज 100 microfarad। सो सी का जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो है 100 microfarad। आई जस्ट होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा, वेरियस फॉर्मूलाज की मदद से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, रेजिस्टर मींस वी हैव अ फिलामेंट लैंप देयर सो दैट हैव सम रेजिस्टेंस, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।